हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्नम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के बारे में गेट फॉर द लाइफ साइंस इज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इट इज जॉइंटली कंडक्टेड बाय आईआईटीज एंड आईएससी गेट लाइफ साइंस सब्जेक्ट इज वन ऑफ द 28 सब्जेक्ट ऑफर इन गेट एग्जाम इट इज असेंशियल फॉर द कैंडिडेट टू परस्यू हायर एजुकेशन सच एज मास्टर एंड पी इन लाइफ साइंस रिलेटेड फील्ड

फर्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आई एस सी बेंगलोर सेकेंड इज सेवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनिंग बोर्ड एंड थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये जो थ्री बॉडी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये मिलके ही गेट के एग्जाम के एग्जाम को कंडक्ट करती हैं नाउ कमिंग ऑन द जोन एंड करस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट जो एट टोटल जो है या एट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है जो गेट एग्जाम को हर एक ईयर कंडक्ट कराते हैं फर्स्ट जोन इज आई एस सी बेंगलोर देन आई आई टी बॉम्बे आई आई टी डेली आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी कानपुर आई आई टी खड़गपुर आई आई टी मद्रास आई आई टी रुड़की तो इन एट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट में से कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट जो है वो हर एक ईयर गेट एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है फॉर एग्जाम्पल ईयर 2023 में गेट एग्जाम का जो कंडक्टेंस है वो आईआईटी कानपुर ने किया था तो अपकमिंग ईयर में से इनमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट जो है गेट एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है नाउ कमिंग ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीई पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं बीटेक पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस आप इसके स्टूडेंट हो सकते हैं यदि आप मास्टर में हैं तो आप मास्टर में एनरोल्ड हो सकते हैं कॉन्टिन्यूड हो सकते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हो सकते हैं ऑफ एनी ब्रांच ऑफ साइंस नाउ कमिंग ऑन एज लिमिट यदि आप एज लिमिट को देखें तो देयर इज नो एनी एज लिमिट यू हैव टू बी ऑलवेज एलिजिबल फॉर गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन यदि आप वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा वहां से लेके थ्री ईयर तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिडेट रहता है गेट का नाउ कमिंग ऑन एग्जाम पैटर्न यदि आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट इज एग्जाम नोटिफिकेशन यू हैव टू बी फाउंड योर एग्जाम नोटिफिकेशन ऑन द ईयर ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट ऑन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट यदि नंबर ऑफ टेस्ट की आप बात करें तो ये एक ईयर में एक बार ये टेस्ट जो है कंडक्ट होता है जिसका एग्जाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में होता है यदि आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन मोड की यदि आप बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है एग्जाम ड्यूरेशन थ्री आर का रहेगा और जो आपका मोड है वो ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और इसमें एग्जाम मीडियम जो है वो केवल इंग्लिश मीडियम है हमने सी एस आई आर में देखा था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों मीडियम में आपको मिल रहा था इंग्लिश मीडियम में एंड हिंदी मीडियम में लेकिन यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो केवल इंग्लिश मीडियम में ही आपको मिलता है नाउ कमिंग ऑन एग्जाम मार्किंग स्कीम यदि आप एग्जाम मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये जो टोटल मार्क्स है वो हंड्रेड मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपके थ्री होंगे फर्स्ट इज जनरल एप्टीट्यूड सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होगा जिसमें आपके क्यू टू यू जो है वो सेगमेंट होते हैं अब ये क्यू टू यू क्या है क्यू टू यू बेसिकली एक सिंबल है जो आपके डिफरेंट सेगमेंट जो आपका थर्ड सब्जेक्टिव सेक्शन है उसको डिनोट करता है एक्सेल मीनिंग लाइफ साइंस एंड पी डिनोट फॉर केमिस्ट्री एक्सएल क्यू फॉर बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री एक्सएल आर फॉर बॉटनी एक्सएल एस फॉर माइक्रोबायोलॉजी एक्सएल टी फॉर जोलॉजी एंड एक्सएल यू फॉर फूड टेक्नोलॉजी तो बेसिकली आपकी ये फाइव सब्जेक्टिव जो आपका लाइफ साइंस थर्ड सेक्शन होगा उसमें फाइव सब्जेक्ट होंगे बायो केमिस्ट्री बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी जुलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी यदि आप मार्किंग स्कीम की बात करें या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में आपके टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में 25, फाइव जो आपका सेक्शन सेक्शन सब्जेक्टिव रहेगा उसमें थर्टी मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो टोटल कितना बन रहा है एक तो फिफ्टीन आपका जर्नल एप्टीट्यूड है प्लस ट्वेंटी फाइव आपका केमिस्ट्री है एंड थर्टी आपका जो है सब्जेक्टिव है तो इज इक्वल टू ये तो सेवेंटी हुए लेकिन मैंने आपको बताया कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हंड्रेड मार्क्स का है तो ये ब्यूटी होती है लाइफ साइंस एग्जामिनेशन की इसमें होगा क्या कि ये जो आपके फाइव सब्जेक्ट हैं हर एक जो आपका सब्जेक्ट है वो थर्टी मार्क्स का है ऐसे. तो ये जो आपके फाइव सब्जेक्ट है इनमें से आपको किसी दो सब्जेक्ट को चूज करना है इट्स टोटली अप टू यू वॉट यू वॉन्ट टू चूज आप बायो केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं उसके साथ बॉटनी होगा बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी जुलॉजी कुछ भी आप चूज कर सकते हैं तो जैसे आपने बायो केमिस्ट्री चूज करा प्लस जुलॉजी चूज करा तो आपके दो सब्जेक्टिव जो आप दो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिए तो थर्टी थर्टी मार्क्स के आपके दोनों सब्जेक्ट हुए प्लस फिफ्टीन मार्क्स का आपका जर्नल एप्टीट्यूड एंड ट्वेंटी फाइव जो आपके मार्क्स है वो केमिस्ट्री के हैं तो अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है टोटल हंड्रेड मार्क्स का हो गया तो इस तरीके से जो है वो आपका एग्जाम में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नाउ कमिंग ऑन नेगेटिव मार्किंग सो एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन इज ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन तो नेगेटिव मार्किंग मस्ट बी देर इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है केवल एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन में रहेगी देर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग एमएस क्यू एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो डिफरेंट टाइप की होनी है कैसी यदि आपका क्वेश्चन वन मार्क्स का है तो उसमें वन बाई थ्री की नेगेटिव मार्किंग होगी और यदि आपका क्वेश्चन टू मार्क्स का है तो उसमें टू बाई थ्री की नेगेटिव मार्किंग होगी नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यहां पे मैंने आपको मैं दिखाने जा रही हूँ कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है तो यदि आप जर्नल एप्टीट्यूड में देखें तो आपके पांच क्वेश्चन जो है वो वन मार्क्स के हैं और आपके जो टू टू मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो फाइव क्वेश्चन थे तो टोटल तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टेन है एंड टोटल तो जो मार्क्स थे एंड नेक्स्ट इज केमिस्ट्री तो वन तो मार्क्स के नाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टू मार्क्स के एट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो सेवनटीन होगा एंड टोटल मार्क्स नाइन प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव है और सब्जेक्ट की यदि आप बात करेंगे तो सब्जेक्ट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि वन मार्क्स के आपके एक एट क्वेश्चन होंगे टू मार्क्स के लेवन क्वेश्चन होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके नाइनटीन होंगे और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड टोटल मार्क्स देखें तो एट प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू थर्टी तो थर्टी थर्टी मार्क्स के आपके दोनों सब्जेक्ट होंगे ट्वेंटी फाइव मार्क्स की के आपकी केमिस्ट्री प्लस फिफ्टीन मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड तो इस तरीके से आपके हंड्रेड मार्क्स बन जाते हैं Now coming on the syllabus part. So as I have already mentioned, GATE Life Science Examination divided into three part. First is General Aptitude, second one is Chemistry, and third one is Life Science. So आपके ये जो General Aptitude होता है and Chemistry ये आपका mandatory portion में आता है. ये तो आपको attempt करना ही करना है. और जो आपका Life Science वाला रहेगा, उसमें आपके five section रहेंगे. उनमें से आप किसी दो दो जो आपके subject रहेंगे, like Botany, Geology, Biochemistry. माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी इनमें से आप किसी दो सब्जेक्ट को चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हैं इन द स्लाइड आई हैव मेंशन द सिलेबस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड तो जनरल एप्टीट्यूड्स में भाई आपको क्या पढ़ना है एक तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है वर्बल एप्टीट्यूड पढ़ना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एनालिटिकल एंड स्पेशल एप्टीट्यूड तो बेसिकली फाइव जो है यूनिट्स या फाइव सेक्शन uh, uh, कह सकते हैं जो आपको जनरल एप्टीट्यूड्स में पढ़ने हैं नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री यदि आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो आप एटेमिक स्ट्रक्चर एंड पेरियोडिसिटी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एसपीडी ब्लॉक एलिमेंट केमिकल एक्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शन काइनेटिक्स थर्मोडाइनेमिक्स एंड केमिकल केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स तो आपको टोटल एट चैप्टर इसमें कवर करने होंगे नाउ कमिंग ऑन सब्जेक्टिव सिलेबस यदि सब्जेक्टिव सिलेबस में देखें तो मैंने आपको बताया कि फाइव सब्जेक्ट होंगे टोटल जिसमें फर्स्ट है बायो केमिस्ट्री तो so, बायोकेमिस्ट्री में जो है आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन का आप स्ट्रक्चर फोल्डिंग एंड फंक्शन पढ़ेंगे आपको एंजाइम काइनेटिक्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है मेटाबॉलिज्म एंड बायो एनर्जेटिक्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक तो बेसिकली जो नाइन सेक्शन ये आपको अपनी बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में कवर करने हैं। नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ बॉटनी यदि आप बॉटनी के सिलेबस में देखें तो आप प्लांट सिस्टमेटिक प्लांट एनाटोमी प्लांट डेवलपमेंट प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स एंड जीनोम प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी प्लांट पैथोलॉजी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो इकोसिस्टम के पार्ट में आते हैं ये आपको कवर करने हैं बॉटनी के सिलेबस में नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यदि आप माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस की बात करें तो आप इसमें हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन पढ़ना है माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबियल मेटाबोलिज्म माइक्रोबियल डिजीज एंड माइक्रोवियन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी तो बेसिकली नाइन यूनिट्स में भी हैं जो आपको कवर करनी है नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ जुलजी यदि आप जुलॉजी के सिलेबस में देखें तो आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी जीन एक्सप्रेशन एनिमल एनाटोमी पैरासिटोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर तो इसमें जो टोटल एट सेक्शन या एट यूनिट हैं ये 80 परसेंट जुलॉजी का जो सिलेबस है वो सिमिलर है बायो का एंड माइक माइक्रोबायोलॉजी का यदि आप बायो और माइक्रोबायोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका 80 परसेंट सिलेबस जो है जोलॉजी का वो प्रिपेयर हो जाएगा नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी यदि आप फूड टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो आप फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रीशन फूड माइक्रोबायोलॉजी फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग ये फोर सेक्शन जो है आपको फूड टेक्नोलॉजी में कवर करने हैं इन दिस स्लाइड आई हैव मेंशन द गेट लाइफ साइंस कट ऑफ तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको टोटल सिक्स ईयर के कट ऑफ के बारे में बताया है मतलब 2018 से लेकर 2023 तक कट ऑफ जो है वो किस तरीके से रहा है जनरल कैटेगरी में देखें तो कट ऑफ जो है वो इस रेंज का था 32.9, 33.9, 36, 31.7, 36.7 पॉइंट एंड ट्वेंटी यदि आप इसकी रेंज देखें तो ये 30 से लेके 37 तक की रेंज का रहा है वहीं पर यदि आप ओ बी सी नॉन क्रीमी लेयर या ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की बात करें तो जो आपका कट ऑफ है वो ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स थर्टी पॉइंट फाइव ट्वेंटी थर्टी टू पॉइंट फोर ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव थर्टी थ्री एंड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन जिसकी रेंज जो बनेगी वो ट्वेंटी सेवन से लेके थर्टी थ्री तक की रेंज है और एस टी एस टी पी डब्ल्यू डी में यदि आप देखें तो ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन पॉइंट वन ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव एंड 19.9 पॉइंट नाइन जिसका रेंज 20 से लेके 25 तक का है तो ये जो है ये बेसिकली एक आ, रेंज है कि किस तरीके से जो है कट ऑफ है सिक्स ईयर तक का रहा है नाउ कमिंग ऑन द रेफरेंस बुक तो यदि आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं इवन क्वालिफाई भी कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक आपको मेंशन कर दे रही हूँ लेकिन ये जो रेफरेंस बुक है इनमें हर एक चैप्टर को जो है बहुत डिटेल में दिया है ऑल जो आपका गेट का एग्जामिनेशन है वो बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन है अप टू द मार्क है यहाँ पर बहुत ही एनालिटिकल या फिर जो रिसेंट में चीज़ें हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जब भी प्रिपेयर करें स्पेशली स्टैंडर्ड बुक से तो आपको बस इस चीज़ का याद रखना है कि आपको बहुत लिमिटेड सी चीज़ें पढ़नी है आपको कोर कंसेप्ट ध्यान देना है आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है हर एक टॉपिक का आपको बेसिक पढ़ना है ओवरव्यू पढ़ना है यदि आप बायोकेमिस्ट्री से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये कुछ बुक यहाँ पे हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ बायो केमिस्ट्री बाय लेलेंजर बाय केमिस्ट्री बाय बॉयट एंड बॉयट मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी बाय लोडिश एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ जीन बाय वॉटसन एंड जेनेटिक्स बाय बेंजामिन एंड पियर्स मॉलिकुलर बायोलॉजी बाय प्रेस्कॉट एनिमल फिजियोलॉजी बाय टोटोरा एंड प्लांट फिजियोलॉजी बाय तेज एंड जिगर इम्यूनोलॉजी बाय क्यूवे एंड जीन क्लोनिंग एंड डी एन एनालिसिस बाय टी ए ब्राउन एंड मोलिकुलर बायोकेमिकल टेक्निक बाय बिल्सन एंड बॉकर फूड टेक्नोलॉजी बाय सिनोज एंड अविलास एंड इकोलॉजी बाय पीटर स्टीलिंग तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं जिनके थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑल दो आपको याद रहे कि गेट के जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बहुत बेसिक से होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है और जो आपके कोर कंसेप्ट है आपको उनको याद में रख के ही पढ़ाई करनी है और वहीं पर यदि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं ई लर्नम के साथ ई लर्नम आपको लेके आया है डिफरेंट टाइप के बीच रिगार्डिंग गेट 2024 ट्वेंटी एग्जामिनेशन जहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ नोट डेली प्रैक्टिस सीट पीवाईक्यू सेशन क्विज सेशन एंड ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डाउट क्लियरिंग सेशन तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये पूरा डिजाइन किया गया है गेट लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग तो जितना भी आपके सिलेबस में कोर कंसेप्ट है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा और जो आपकी प्रैक्टिस सीट है पी या फिर क्विज सेशन या जो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो सारे गेट के एग्जाम ही गे, गेट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं तो आप ई e लर्नम के साथ जुड़कर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये कुछ प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है जो ई e लर्नम प्लेटफॉर्म का है आप देख सकते हैं कि ईयर है 2023 में अप्रोक्सीमेट प्लस 300 जो कैंडिडेट है उन्होंने क्वालिफाई किया था और ये कुछ रैंक भी है तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड सो गो वेदर्नर नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रेटी पार्ट तो स्ट्रेटेजी की यदि आप बात करें तो फर्स्टली यू शुड हैव द कम्पलीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न इस वीडियो में मैंने आपको कम्पलीट वे में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कैसे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहना है ट अ स्टडी प्लान मैंने आपको बताया कि जो गेट का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं अप टू द मार्क आते हैं बहुत डेप्थ में नहीं आते तो आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है स्टडी मटेरियल सिलेक्शन मस्ट भी देयर आपको खाली वो टॉपिक ही पढ़ने हैं या कोर कंसेप्ट पढ़ने हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपको ऐसे कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटलीस्ट आपको टेन ईयर के जो है टेन ईयर के पी जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि जब आप ये सॉल्व करेंगे तभी जाके आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है एंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशन ये जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट मिले या प्रैक्टिस सेशन मिले तो आपको इनको करना है क्योंकि आप पढ़ लेते हैं पी वाई क्यू सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जो आपके मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशन होते हैं वही आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है कई बार पी वाई क्यू को जब हम दो बार या तीन बार शॉर्ट आउट करते हैं तो उनके जो आंसर्स हैं वो हमें याद हो जाते हैं लेकिन मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशन जो है उसमें न्यू क्वेश्चंस आपको होते हैं तो प्रिपरेशन करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly आपकी प्रिपरेशन कितनी है एंड फोकस्ड ऑन कोर कंसेप्ट जो आपके कोर कंसेप्ट है आपको उनपे फोकस रखना है आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है उन कोर कंसेप्ट को बार बार आपको रिवाइज करना है रिकॉल करना है एंड लास्टली स्टे अपडेटेड एंड एनालिटिकल जो आपका गेट का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं पूछा जाता उसमें अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ कवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको अपना पूरा बेसिक क्लियर रखना है अपडेटेड रहना है एनालिटिकल रहना है नाउ कमिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ गेट एग्जामिनेशन यदि आप गेट एग्जामिनेशन देते हैं आपका क्वालिफाई हो जाता है तो इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं फर्स्ट यदि आप ग्रेजुएशन में ही ग्रेजुएशन पास आउट करने के बाद इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको कंप्लीट या क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज आप रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी में एनरोल्ड हो सकते हैं ट्रैक्टिव जॉब ऑफर तो ये तो पता ही है कि गेट एग्जामिनेशन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है तो यदि आपका कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको अट्रैक्टिव जॉब ऑफर मिल सकते हैं एंड पी एस यू सेक्टर पी एस यू सेक्टर बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें आई यू सी एल बार कैंड डी आर डी ओ जैसे इंस्टीट्यूट आते हैं यदि आपका गेट एग्जाम क्वालिफाई है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं एंड टीचिंग जॉब टीचिंग जॉब भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यदि आपका गेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर या फिर बहुत सारी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं ओके सो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग